सियासी गलियारों में चर्चित बैंक घोटाले में दोषी सुनील केदार की चर्चाओं में अब नया आयाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अपराध की सिद्धता के बाद पत्र परिषद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने केदार की विधायकी रद्द करने की मांग की थी, तो वहीं उनकी जमानत याचिका नामंजूर होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केदार के समर्थन में बैनर लगा है, जहां स्पष्ट लिखा है कि सुख में ना सही लेकिन दुख में हम केदार के साथ हैं। ज्ञात हो कि 2002 में नागपुर मध्यवर्ती बैंक में 150 करोड़ के घोटाले में सावनेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक सुनील केदार समेत 6 लोगों को दोषी करा दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को केदार की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय में नामंजूर कर दी गई है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होती दिखाई दे रही हैं। उसी बीच अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केदार के समर्थन में बैनर लगाए हैं, जहां स्पष्ट लिखा है कि सुख में ना सही लेकिन दुख में हम केदार के साथ हैं। गौरतलब हो कि यह बैनर शहर के चौराहे समेत गली और मुख्य रास्तों पर बंटी शेल के वृंदा नागपुरी आदि मुख्य कांग्रेस पदाधिकारियों के सौजन्य से लगाए गए हैं। वहीं शेलके ने बैनर पर स्पष्ट प्रतीत किया है कि मुर्दार नहीं मर्द बनेंगे, एक साथ लड़ेंगे, जो शहर वासियों के ध्यान आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिससे यह देखना रोचक रहेगा कि विरोधी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।